औरैया जिले की कोतवाली बिधूना के इटावा मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार यात्री बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिधूना के इटावा मार्ग की है, जहां कस्बा कुदकोट के समीप कार पर सवार होकर बिधूना से इटावा की ओर जा रहे थे, जबकि यात्री बस इटावा से बिधूना की ओर जा रही थी। यात्री बस के चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार को टक्कर मार दी। घटना में कार सवार राजीव पुत्र नामालूम, अनुराग पुत्र सुमित नारायण, विजय शर्मा पुत्र देवीचरण निवासी गढ़ जैतपुरा बा जनपद आगरा और कमलेश पुत्र रामदत्त निवासी नारायणी एकदिल जनपद इटावा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक यात्री बस को लेकर मौके से फरार हो गया। एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर अभिचल पांडे ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल राजीव और कमलेश को चिंताजनक हालत में मिनी PGI सैफई रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? कमलेश बाबू तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली रहते हैं हम, नरेनी मेरा गांव है। अच्छा, ये घटना हुई है, एक कार को टक्कर मार दी बस ने, कैसे क्या हुआ? हम लोग जा रहे थे, बस सामने से आई, उसने टक्कर मार दी, ब्रेक नहीं लगाई, बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाई, सीधे आमने सामने टक्कर। तो आपके साथ और कौन कौन लोग कार में बैठे हुए थे? हमारे साथ हमारे विजय शर्मा जी थे जी, गाड़ी चला रहे थे जी, मैं बराबर वाली सीट पर बैठा था और पीछे दो लोग और बैठे थे, कुल चार लोग थे गाड़ी में। तो आप जिस समय घटना हुई है, तो फिर यहाँ कैसे आए सारे घायल लोग? एक एम्बुलेंस ले आई, हमारी गाड़ी भी एक आगे आगे जा रही थी ना, उनको उनको बुला लिया। अच्छा, कितने लोगों को रेफर किया डॉक्टर ने? अभी तीन को कर दिया, चौथे हम लोग। अच्छा, तो गाड़ी फिर क्या पुलिस ने पकड़ी या गाड़ी भाग गई? गाड़ी पता नहीं, हमें नहीं मालूम। कौन सी बस थी? बस थी प्राइवेट, यात्री बस थी। यात्री बस थी।